हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले आप जो कैमिकल फॉर्मूला पढ़ांगे वो हैगा जी बुझिया होया चूना। इसका कैमिकल नेम होंगे जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका कैमिकल फॉर्मूला होंगे है CaOH2। किस तरह याद करांगे, ना कि दिता जी बुझिया होया चूना, तो आपां नूं बस चूने का जो कैमिकल फॉर्मूला छोटा जहा वो याद रखना है। चूने का चूना यानी कि कली, इसका कैमिकल नेम होंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैमिकल फॉर्मूला की होंगे जी CaO। हाँ जी जदों आपां घरां विच कली करते हाँ तो की करते हैं, चूने में आप ऐड करते होंगे, पानी ऐड करते होंगे, तो एक ही बन जाता है बुझिया होया चूना, जिवें डायग्राम में दिता हुआ है उवें ही आप फॉर्मूले ऐड करने हैं। जिवें चूने का फॉर्मूला होंगे जी CaO, तो पानी का फॉर्मूला सारिया याद है H2O। तो हुण तुसीं ध्यान नाल वेखो, फस्ट फॉर्मूले भी ओ दिता हुआ है तो सैकेंड भी ओ दिता, यानी कि ओ किन्ने हो गए 2, तो पानी के फॉर्मूले एच किन्ने दिते हुए हैं, एच भी किन्ने हो गए 2। तो इनू आप किस तरह लिखांगे, सी ए नू बाहर ब्रैकेट विच ओ एच ते बार है दी जिहड़ी आपां 2 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, की फॉर्मूला बन गया CaOH2। इस तरह आपां बुझिया होया चूना इसका कैमिकल फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसका कैमिकल नेम की हैगा जी कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड। फिर तो रिपीट कर दें, चूने तो आपां याद करना है, चूने विच आपां की ऐड करते हुंदे आ पानी, तो इस तरह ही आपां फॉर्मूला ऐड करना है, तो फॉर्मूला ऐड करने नाल आपां की बन गया जी कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, जिहड़ा कि कैमिकल फॉर्मूला है बुझिया होया चूने का। हुण कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड जिहड़ा आ फॉर्मूला बनया है, जेकर इहदे विचों आपां पानी बाहर निकाल दईए तां इह जिहड़ा फॉर्मूला बन जाएगा जी ब्लीचिंग पाउडर का। नैक्सट आपां पढ़ते हाँ किस तरह इस विचों पानी बाहर निकालने नाल नैक्सट फॉर्मूला अपने कोल तैयार हो जाएगा जी ब्लीचिंग पाउडर का। हाँ जी नैक्सट जिहड़ा कैमिकल फॉर्मूला हैगा जी ब्लीचिंग पाउडर का, हुणे आपां पढ़िया बुझिया होया चूना जिहड़ा फॉर्मूला हैगा सी CaOH2। इस तो आप किस तरह ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बना सकते हैं, इस विचों आप सिर्फ की करना जी पानी नू बाहर निकालना है। जदों आप पानी बाहर निकालेंगे तो इस विच आपां नू की ऐड करना पवेगा, क्लोरीन जी ऐड करनी पवेगी, किस लिए, पानी बाहर निकालने लिए। जदों आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो की होंगे CaOCl2 बन जाता है, तो प्लस जोड़ा वाटर है वह बाहर निकल जाता है। किवें तुसीं फॉर्मूले वेखो कि फॉर्मूला हैगा सी जोड़ा बुझे हुए चूने का CaOH2। जदों आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो की है, इन विचों वाटर बाहर निकालेंगे तो एक ओ जिहड़ा इत्थे बच जाएगा, तो फॉर्मूला की बन जाएगा CaOCl2 ते प्लस वाटर। यह जिहड़ा फॉर्मूला बन के तैयार होया है यह हैगा जी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यह जिहड़ा फॉर्मूला बन गया अपने कोल ब्लीचिंग पाउडर का। इस तरह आप बुझे हुए चूने के फॉर्मूले तो ब्लीचिंग पाउडर का जिहड़ा फॉर्मूला आसानी नाल याद कर सकते हैं। नैक्सट फॉर्मूला करते हैं जी। हाँ जी नैक्सट अपने को दो कैमिकल फॉर्मूले ने, फस्ट दिता जी कपड़े धोने वाला सोडा, तो सैकेंड हैगा जी खाने वाला सोडा। इन दोवां फॉर्मूले विच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होंदी है, किस तरह इन्हों के कैमिकल नेम है जिहड़े लगभग सेम है ने। फस्ट का दिता जी सोडियम कार्बोनेट, तो खाने वाले सोडे का होंगे सोडियम बायकार्बोनेट। किस तरह याद करांगे, सब तो पहला खाने वाले सोडे का ही कर लें, जिवें तुसीं किसी के घर डिनर करन गए हो तो डिनर करन तो बाद तुसीं उन्हां नूं की कहोगे जी बाय बाय। इस तरह आपां इस नूं याद कर सकते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट। डायग्राम में इस तरह ही मैं जिहड़ा बाय का सिंबल दिता होया सोडियम बाय कार्बोनेट, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इसका कैमिकल जिहड़ा फॉर्मूला की हैगा जी NaHCO3। फस्ट वेखते हैं कपड़े धोने वाला सोडा। हाँ जी जदों आप कपड़े धोने तो आपां ज़्यादा पानी की जरूरत होंगी है, इस नाल आप जिहड़ा फॉर्मूला याद कर सकते हैं Na2CO3। तो इत्थे की दिता जी 10H2, यानी कि 10 बाल्टियां की जरूरत होंगी है कपड़े धोने लई। इस तरह आप ये दोवें फॉर्मूले जिहड़े ट्रिक दे नाल याद कर सकते हैं। फस्ट की दिता जी दोबारा रिपीट कर देना कपड़े धोने वाला सोडा। हाँ जी कपड़े जदों आप धोने तो ज़्यादा पानी की जरूरत होंगी है, तो ये फॉर्मूले की दिता हुआ 10H2O। सैकेंड की हैगा जी खाने वाला सोडा। हाँ जी जदों आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने तो बाद आप कहने जी बाय बाय जाते बारी बाय बाय कहने। इस तरह आप याद कर सकते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट, तो फॉर्मूला की हैगा जी NaHCO3। नैक्सट फॉर्मूले वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट कैमिकल फॉर्मूला आता जी खाने वाले लूण का। यह तो वेरी ईजी हैगा जी, सारियां नूं पता होंगे खाने वाले लूण का जिहड़ा कैमिकल नेम होंगे जी सोडियम क्लोराइड, तो इसका कैमिकल फॉर्मूला होंगे जी NaCl। नैक्सट दिता जी सिंदूर, या फिर इसका सैकेंड नेम हैगा जी सिनेबार। कैमिकल फॉर्मूला होंगे जी HGS, तो कैमिकल नेम हैगा जी मरक्यूरिक सल्फाइड। ट्रिक दे नाल किवें याद करांगे, HGS नूं H दे नाल हसबेंड, जी दे नाल गिब्स, तो एस दे नाल संदूर। की ट्रिक हैगी जी, हसबेंड गिब्स संदूर, इस दे नाल आपां
सिंदूर का जिहड़ा कैमिकल फॉर्मूला ईजीली याद कर सकते हैं एच जी एस नूं। लास्ट दिता जी फिटकरी या फिर इहनूं कहिंदे ने एलम। इहनूं आपां दो तरीके नाल याद कर सकते हैं। फस्ट तरीका की हैगा, फिटकरी की काम करती है जी, पानी नूं साफ करती है। तां फिटकरी ज़्यादा पानी नूं साफ करती है ते फॉर्मूले विच वी जिहड़ा पानी की मात्रा किन्नी दित्ती हुई है 24H2 यानी कि ज़्यादा पानी दित्ता है। तो इस तरह आपां याद कर सकते हैं। सैकेंड की तरीका जी, जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा फिटकरी का वह सब तो वड्डा हुंदा, फिटकरी का फॉर्मूला सब तो वड्डा हुंदा है। ये इहदी सैकेंड तरीका है, इस दे नाल भी आपां याद कर सकते हैं। इहदे विच की हुंदा जी, पोटाशियम एलमीनियम ते सल्फेट। हाँ जी, चलते हैं जी नैक्सट ट्रिक दे वल। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ा आपां कैमिकल फॉर्मूला ट्रिक दे नाल याद करांगे वो हैगा जी टीआर गैस का यानी कि अथरू गैस का। इसनों आपां एक छोटी जी स्टोरी नाल याद करांगे। जिवें किसी क्लास का रिजल्ट आया होया तो उनका जिहड़ा रिजल्ट नोटिस बोर्ड से लग्या होया, काफ़ी स्टूडेंट जाके रिजल्ट वेखते हैं। तो एक कुड़ी जिहड़ी आ डायग्राम विच दित्ती हुई है, आ कहिंदी है कि मेरा भी रिजल्ट वेखो। तो मुंडा कहिंदा जी सी सी तेरे नंबर किन्ने आए ने, दो नंबर आए ने। रिजल्ट विचों दो नंबर यानी कि वह कुड़ी फेल हो जाती है। तो वह कुड़ी उच्ची उच्ची रोना स्टार्ट कर देती है तो उनके अखों में जड़े अथरू आ जाते हैं। हुण आपां इस नाल किवें याद करांगे फॉर्मूले नूं। फॉर्मूला की दिता जी, CCl3NO2। इसनों आपां इस तरह लिखना है, सी सी नूं एक साइड, एल ते तीन नूं इकट्ठा लिखना है, एन ओ नूं इकट्ठा लिखना है ते दो नूं आपां अलग लिखना है। सी सी का मतलब सी सी यानी कि देखो देखो। बाद च दिता जी एल ते तीन का आपां की बना देना, तेरह, तेरह तो तेरे, एन ओ तो नंबर यानी कि नंबर, दो तो दो। कि मुंडा की कहिंदा जी तेरे नंबर किन्ने आए ने, रिजल्ट विच दो आए ने। तो यह सुन के कुड़ी है जी उच्ची उच्ची रोना स्टार्ट कर देती है तो उनके अखों में जड़े अथरू आ जाते हैं। इस तरह आप जी टीयर गैस को आसानी नाल याद कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप ईजीली याद कर सकते हैं। तो इनका कैमिकल जिहड़ा नेम हुंदा वह हुंदा जी क्लोरोपिक्रीन। उम्मीद करदा जी इस ट्रिक नाल तुहानूं इह फॉर्मूला जिहड़ा याद हो गया होगा। हाँ जी, वीडियो जेकर तुहानूं वधिया लग रही है तो वीडियो नूं लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो जी। नैक्सट ट्रिक वल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट आपां पढ़ांगे जी वाटर गैस ते उत्पादक गैस यानी कि प्रोड्यूसर गैस। फस्ट हैगा जी वाटर गैस। वाटर गैस के नाल नाल तुहाडे माइंड च क्लिक होना चाहिए है वाटर का फॉर्मूला यानी कि H2O। इस फॉर्मूला नाल आपां किवें याद करांगे, जदों ये वाटर का फॉर्मूला है तुसीं मान लो इहदे विच जिहड़ा H2 हैगा वह फ्लो के नाल बाहर आ गया यानी कि तैरदा होया इस फॉर्मूले तो बाहर आ गया। तो पिछे की बचा जी ब्रैकट के अंदर ओ। हुण इस ब्रैकट नूं तुसीं एक साइड नूं तुसीं सी बना देना इस तरह, तो एक साइड नूं विचालों एवें कट करके प्लस का निशान बना देना जिवें आ डायग्राम विच दित्ता होया। तो आ की बन जाएगा जी CO+H2। आ अपना फॉर्मूला बन गया जी वाटर गैस का, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन नूं आपां जदों ऐड करांगे तो की बन जाएगा वाटर गैस। फिर तो रिपीट कर दें, वाटर गैस के नाल नाल तुहाडे माइंड विच क्लिक होना चाहिए है वाटर का फॉर्मूला H2O। जिवें आ फॉर्मूला दिता है, मान लो इहदे विचों H2 जिहड़ा फ्लो करके बाहर आ गया, पानी विचों तैर के जिहड़ा H2 बाहर आ गया, पिछे की बचिया ब्रैकट के अंदर ओ। हुण एक साइड की ब्रैकट नूं तुसीं सी बना दो, तो एक साइड की जिहड़ी ब्रैकट है इहनूं तुसीं विचालों एवें कट करके प्लस का निशान बना दो, तो की बन जाएगा CO+H2। इस दे नाल की फॉर्मूला बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अपना वाटर गैस का फॉर्मूला इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो उत्पादक गैस का फॉर्मूला होंगे जी CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। हाँ जी, चलते हैं नैक्सट फॉर्मूले वाल। हाँ जी, नैक्सट आप पढ़ा हसन वाली गैस का कैमिकल फॉर्मूला। हाँ जी, इनका कैमिकल फॉर्मूला होंगे जी N2O, तो इनका कैमिकल नेम है जी नाइट्रस ऑक्साइड। इसनों भी आप एक स्टोरी के नाल याद करांगे। हाँ जी, एक बेबी हैगा उनके कल एक खिडौना हैगा जिद चाबी भर के छड़न वो खिडौना जरा उच्ची उच्ची हसना स्टार्ट कर देता है। बच्चा की करता जी, उनकी एक अख में जरा पुट के बाहर सुट देता है यानी कि उखाड़ देता अख में, तो उनकी थान पर अपना एक खिडौना है जिंद उ अंग्रेजी का अक्षर N है वो उनकी अख की थान पर ला देता है। इस तरह आप याद हो जाएगा इनका कैमिकल फॉर्मूला की है जी N2O। किवें बनाना जी, जिमें डायग्राम दिता हुआ है, टू नूं आपां एक नोज की तरह बनाना है इस तरह, तो अखां नूं ओ दी तरह बनाना है। की करदा जी, वो एक अख नूं जिहड़ा बाहर कढ़ दिंदा है ते उहदी थां ते अपना एक खिडौना है जिहदे उत्ते अंग्रेजी का जिहड़ा अक्षर हैगा N उह दी थां ते ला दिंदा है। तो की फॉर्मूला बन गया जी N2O। इहदा फॉर्मूला हैगा जी हसन वाली गैस का नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ जी, नैक्सट फॉर्मूले वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट आता जी जिप्सम। इसनों आप ट्रिक दे नाल याद करांगे। इस दे लई भी आपां एक छोटी जी स्टोरी पढ़ांगे। इहदा फस्ट आपां केमिकल फॉर्मूला पढ़ लैंदे हां, CaSO4
2H2O तो यहाँ का कैमिकल नेम होंगे जी कैल्शियम सल्फेट। किमें याद करा वर्ड दिता जिप्सम, यू आप अलग अलग कर लवेंगे जीप ते सम। हुण जीप वर्ड तो अपने माइंड आता जी जीप। हुण तुसी जेकर नवी नवी जीप लीती है तो वह चोरी हो गई तो तुसी की करोगे जी केस करोगे। हुण केस वर्ड तो दो वर्ड निकल के आ रहे हैं कक्के तो कैल्शियम ते सस्से तो सल्फेट। कैल्शियम का फॉर्मूला होंगे जी सी ए ते सल्फेट का फॉर्मूला होंगे जी SO4। हुण आपां वाटर किन्ना ऐड करना जी तो दूजा वर्ड दिता है सम, सम का मतलब होंगे जी दो ते आपां वाटर भी किन्ना ऐड करांगे 2H2O। इस तरह आपां जिप्सम का फॉर्मूला ईजीली याद कर सकते हैं। फिर तो रिपीट कर देना वर्ड नूं आपां अलग अलग कर लेना जीप ते सम। हुण जीप वर्ड नाल माइंड च क्लिक होंगे जी जीप का, जीप जेकर तुहाडी चोरी होगी तो तुसीं की करोगे केस। केस वर्ड तो दो नाम निकलते हैं कैल्शियम ते सल्फेट। कैल्शियम का फॉर्मूला होंगे सी ए ते सल्फेट का होंगे जी SO4। हुण आपां वाटर किन्ना चाहिए 2H2O ते दूजा वर्ड दिता सी सम, सम का मतलब होंगे टू ते आपां वाटर भी किन्ना ऐड करांगे 2H2O। हुण इस जिप्सम के फॉर्मूले तो आपां एक होर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वह फॉर्मूला हैगा जी POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जेकर आपां गर्म करिए तो अपने को एक होर फॉर्मूला तैयार हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाँ जी चलते हैं सैकेंड फॉर्मूले वाल। हाँ जी नैक्सट दिता हुआ जी प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने आप पढ़िया जिप्सम का फॉर्मूला की हैगा सी CaSO4 2H2O। इस तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला किस तरह बना सकते हैं, जेकर इनू आप 120 तो 180 डिग्री सैलसीयस से गर्म करिए कुछ वाटर है जरा भाफ बन के उड़ जाएगा तो इनका की वाटर किन्ना रह जाएगा जी हाफ। किमें याद करा कि पहला वाटर किन्ना है सी 2 हैगा सी ते गर्म करते कुछ वाटर जरा भाफ बन के उड़ गया तो हूँ वाटर किन्ना बच गया हाफ वाटर जरा बचे तो फॉर्मूला की बन जाएगा CaSO4। बाकी सारा सेम होगा बस की हो जी वाटर की मात्रा जी घट गई हाफ H2O। यह फॉर्मूला कि बन गया जी POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर तो रिपीट कर देने जिप्सम आप 120 तो लेके 180 डिग्री सैलसीयस से गर्म करते हैं तो वाटर की मात्रा जी घट जाती है, वाटर कुछ भाफ बन के जरा उड़ जाता है तो फॉर्मूला की बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O। इस तरह आप याद कर सकते हैं। नैक्सट ट्रिक वाल चलते हैं जी। हाँ जी नैक्सट अपने को दो कैमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं। फस्ट है जी जिप्सम का CaSO4 2H2O जिदा कैमिकल नेम है जी कैल्शियम सल्फेट, तो सैकेंड दिता है नीला थोथा जिदा कैमिकल नेम है कोपर सल्फेट, तो कैमिकल फॉर्मूला की दिता जी CaSO4 5H2O। इन्हों के कैमिकल फॉर्मूले बच्चों काफ़ी कन्फ्यूजन होंगी सी क्योंकि इन्हों का कैमिकल फॉर्मूले लगभग सेम है, बस वाटर की मात्रा का फर्क है। फर्स्ट वाटर की मात्रा हैगी है 2H2O तो सैकेंड फॉर्मूले दी है जी 5H2O। पर हुण तुहानू कदे भी कन्फ्यूजिंग जी नहीं होगी क्योंकि आप ट्रिक दे नाल जिप्सम का फॉर्मूला जरा याद कर चुके हैं CaSO4 2H2O। किवें याद किया सी जीप ते सम, जीप जो चोरी हो गई सी आपां की किया सी केस, केस दे नाल दो वर्ड याद होए सी कैल्शियम ते सल्फेट ते सम दे नाल मतलब कि दो। वाटर किन्ना ऐड करना आपां दो ऐड करना है, इस दे नाल ईजीली आपां नूं याद हो गया सी CaSO4 2H2O। उम्मीद करदा जी इन्हां दोवें फॉर्मूले विच तुहानू कदे भी कन्फ्यूजन जी नहीं होगी। हाँ जी हुण चलते हैं टेस्ट वाल। इस टेस्ट तो तुसी चेक कर सकते हो कि तुहानू किन्ने फॉर्मूले अज दी ट्रिक दे नाल याद हो चुके हैं। हाँ जी फस्ट क्वेश्चन दिता हुआ है कपड़े धोण वाले सोटे का रसायणिक सूत्र दसो। आपां ट्रिक दे नाल याद किया हुआ सी कि कपड़े धोण लई जिहड़ी पानी की मात्रा है जिहड़ी वाटर की मात्रा वो ज़्यादा होनी चाहिए है। हुण चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है NaOH, सैकेंड दिता जी NaCO3 10H2O, थर्ड दिता जी NaHCO3 तो फोर्थ है NaCl। हाँ जी करैक्ट आंसर कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर B क्योंकि ये जी पानी की मात्रा हैगी ज़्यादा हैगी है 10H2 है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की दिता हुआ है साधारण नमक का रसायणिक नाम दसो। साढ़े को चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता है एम्यूनियम कलराइड, सैकेंड दिता जी पोटाशियम कलराइड, थर्ड है सोडियम कलराइड, तो फोर्थ दिता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी इनका करैक्ट आंसर कड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सोडियम कलराइड। फॉर्मूला की होंगे जी NaCl। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है सिंदूर का रसायणिक सूत्र दसो। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप किवें ट्रिक दे नाल याद किया सिंदूर का रसायणिक सूत्र, हसबेंड गिवस सिंदूर, तो इसका फस्ट ऑप्शन है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा HGS।
नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है पीओपी का रसायणिक सूत्र दसो, यानी कि प्लास्टर ऑफ पैरिस का रसायणिक सूत्र दसो। आपां की किया जिप्सम नूं जदों हीट किया तो उनका पानी जिहड़ा किन्ना रह गया सी, पानी की मात्रा हाफ रह गई सी। चार ऑप्शन दिते हुए ने तो इन विचों करैक्ट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर थर्ड CaSO4 हाफ H2O। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की दिता हुआ है हसन वाली गैस का रसायणिक सूत्र दसो। चार ऑप्शन दिते हुए ने, इसनों आप किस तरह ट्रिक दे नाल याद किया कि एक बेबी को एक खिडौना हुंदा है जिहड़ा कि चाबी नाल चलता है तो वह हसन लग जाता है तो वह बेबी की करता जी खेडता खेडता हुआ हुंदा ही एक अख जिहड़ी पुट देंदा है। इस तरह खिडौना बनाया सी तो इहदी अख की थान ते की ला देंदा जी, अंग्रेजी का अखर एन, वह खिडौना इत्थे ला देंदा जी। इस तरह की फॉर्मूला बन गया सी N2O। हाँ जी इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर की हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की दिता है अथरु गैस का रसायणिक सूत्र दसो। इसनों आप किस तरह ट्रिक दे नाल याद किया कि वह कुड़ी जी रोन लग जाती है अपना रिजल्ट वेख के तो उनकी अखों में अथरू आ जाते हैं कि जो मुंडा की कहता जी रिजल्ट वेख के कि सी तेरे नंबर किन्ने आए ने, दो नंबर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जरा कि ऑप्शन फस्ट जरा करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है वाटर गैस का रसायणिक सूत्र लिखो। हाँ जी वाटर गैस तो अपने माइंड से की क्लिक होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला H2O। इन आप एच न बाहर कट दिता से इस तरह, ये बाकी की बच गया सी ब्रैकट से ओ। हूँ एक ब्रैकट में आप सी बनाती सी ते दूजी ब्रैकट में आप प्लस का निशान बनाता सी ते बाहर की हैगा सी H2 ते की फॉर्मूला बन गया सी CO H2। तो इस क्वेश्चन का फस्ट ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। वाटर गैस का फॉर्मूला की होंदा है CO + H2। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की हैगा जी, जिप्सम का रसायणिक सूत्र दसो। अपने को चार ऑप्शन ने, इसनों आप किस तरह टिक दे नाल याद किया सी, जिप्सम वर्ड नूं अलग किया सी जीप ते सम नूं। जीप जदों चोरी हो गई सी ते आप की किया सी केस, केस दे नाल की याद सी कैल्शियम ते सल्फेट ते सम तो दो, यानी कि पानी की मात्रा किन्नी हैगी सी दो, 2H2O। किहड़ा ऑप्शन जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, CaSO4 2H2O। थर्ड ऑप्शन जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है खाण वाले सोडे का रसायणिक नाम दसो। खाण वाले सोडे का रसायणिक नाम, चार ऑप्शन दिते हुए ने, ट्रिक दे नाल किवें याद किया कि जिवें तुसीं किसी के घर डिनर करन जाते हो, डिनर करन तो बाद आप की कहने जी बाय। तो इसका करैक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सोडियम बाय कार्बोनेट। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी नीला थोथा की है। जी नीला थोथा की होंगे जी, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला की होंगे जी CaSO4 CaSO4 ते 5H2O, इनका केमिकल फॉर्मूला होंगे जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता है फिटकरी यानी कि LM दा रसायणिक सूत्र दसो। फिटकरी नूं आपां दो ट्रिक दे नाल याद किया सी, एक तो सब तो ज़्यादा जिहड़ा पानी साफ करती है तो दूजा ट्रिक की हैगा सी कि इहदा जिहड़ा फॉर्मूला वह सब तो वड्डा हुंदा है। तो तुहानूं चार ऑप्शन च दिखाई दे रहा है, ऑप्शन फोर है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी अज का लास्ट क्वेश्चन हैगा, सोडियम धात नूं डैश विच डुबो के रखा जाता है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, पानी विच, हवा विच, अमोनिया विच ते फोर्थ दिता है मिट्टी के तेल में। तो सोडियम धात को किंदे विच डुबो के रखा जाता है जी, मिट्टी के तेल में। यह आप ट्रिक दे नाल याद नहीं किया पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट सी इसलिए मैं ऐड करता। हाँ जी अज की वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के नाल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिथे भी तुसी कर सकते हो ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो नूं शेयर करना है। तो अज की वीडियो की PDF तुहानूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। जेकर तुसी साडा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो साडा टैलीग्राम चैनल का लिंक दिता हो जी @itsGKGuruji, इस पर जाके तुसी साडा टैलीग्राम चैनल जिहड़ा ज्वाइन कर सकते हो। तो जेकर तुसी चैनल पर फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फस्ट टाइम साडी वीडियो वेख रहे हो तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो तो नाल लगे बैल आइकन नूं भी प्रेस करना। बैल आइकन नूं प्रेस करोगे तो इत्थे 3 ऑप्शन आएंगे, इन्हां विच तुसी ऑल ते क्लिक करना है तां जो तुहानूं साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन है जिहड़ी टाइम नाल मिलदी रहे। हाँ जी मिलते हैं नैक्सट वीडियो 'च, उदों तक दे लई टेक केयर।